अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सुलेखा अरफात, सुलेखास किचन से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं रमजान स्पेशल। अच्छा, रमजान में ना बना के आप नॉर्मली भी बना सकते हैं शाम के लिए या कभी गेस्ट आए उसके लिए। तो आज बनाते हैं चलिए मिनी सिगार रोल्स चिकन के, बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। इसे दो तीन पानी से धोकर निकालने के लिए 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी पर रख दिया था। अब ये जो कीमा है ना, कीमा ही लीजिएगा ये वाली रेसिपी के लिए चिकन का। वैसे मैंने थाई पोर्शन का करा है, आप ब्रेस्ट पोर्शन का भी करा सकते हैं। और इसे हल्का हल्का सा स्क्वीज कीजिए, निचोड़ कर डालते जाइएगा, एकदम भी जान मत निकाल दीजिए, हल्का सा निचोड़ लीजिए सो दैट जो पानी एक्सेसिव रहे वो सारा निकल जाए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, या आधा छोटे चाय का चम्मच, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, आधा छोटे चाय का चम्मच ऑरिगेनो हर्ब, 1 छोटे चाय का चम्मच असली घी या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं, 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, 1 छोटी सी प्याज मैंने छूंदा करके काट कर डाली है, 1-2 टेबलस्पून जितनी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और एक ब्रेड है ना उसे इस तरीके से हाथों की मदद से बारीक पीसेस करके डाल दीजिए। अब इसे ढक कर बिना पानी डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए, ऐसा पीस लीजिए एकदम एक चीज ना दिखे, हर एक चीज घुल जाए एक दूसरे में। कीमा भी देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा हुआ है। अब इसे आप एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए या थाली में निकाल लीजिए। अब यहाँ पर मैनेजेबल नहीं रहेगा डेफिनेटली, तो आप क्या कीजिए इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सो दैट मैनेजेबल हो जाए। एक प्याले के अंदर आप चाहे तो मैदे का आटा डालें या फिर गेहूं का डाल सकते हैं, मैंने गेहूं का डाला है। 2-3 टेबलस्पून डालकर थोड़ा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स करके एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर इसे साइड पर रख दीजिए। 10-15 शीट्स लीजिए समोसे की पट्टीज की और इसे सबसे पहले तो सेपरेट कर लीजिए क्योंकि चिपकी हुई होती है ना। आप चाहे तो बाजार की भी ले सकते हैं, आप चाहे घर की बनी हुई भी ले सकते हैं। घर की बनी हुई मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है कैसे बनाते हैं घर में समोसे की पट्टीज। चलिए, ये सारे को एक लाइन सर जमा कर लीजिए और इसे बीच में से इस तरीके से काट दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी सारी शीट्स हमारे पास मिल गई ना। अब हम इनसे बनाएंगे चिकन सिगार रोल्स। थोड़ा सा तेल वाला हाथ करके मैंने ये जो मिक्सचर है इसके ऊपर लगाया है सो दैट क्या है ना थोड़ा और मैनेजेबल हो जाए। अब एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, बॉल शेप में करने के बाद उसे इस तरीके से कबाब का शेप दे दीजिए उंगलियों की मदद से। अब एक शीट लीजिए जो हमने काटी थी समोसे की पट्टी की, ये कबाब को इस तरीके से एज पर रखिए। अब हल्के हाथ से इसे एकदम टाइटली रोल करते जाएं और ये जो आगे का पोर्शन है उसे ये जो हमने बनाकर रखा है मिक्सचर स्लरी ये वाली लगा दें और ये हो गया हमारा एक रोल। तो ये बन गया हमारा एक चिकन सिगार मिनी सिगार रोल्स, है ना बढ़िया। इसी तरीके से आप सारे बनाते जाएं। 1-2 थोड़े से स्टार्ट वाले आप भी समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 थोड़े से शायद मोटे बन जाए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ही खा लो ना। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है 1-2 शायद आपसे बराबर ना बने, बाकी के आप एकदम लाइन में जब सेट हो जाएगा, रिदम में आ जाओगे ना, तो सारे माशाल्लाह इसी तरीके से जैसे मैंने बनाए पतले पतले वैसे ही बनेंगे, सिगार ही दिख रहे थे ना। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए और तकरीबन समझिए ना बने हैं 20 बने हैं, माशाल्लाह कितने बरकती बने हैं। अच्छा, अब इन्हें ना आप अभी इसी समय फ्राई करना चाहते हो तो कुछ देर के लिए इसे 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इसे एज इट इज थाली में डाल दीजिए, और ये थाली को मैंने फ्रीजर में ऊपर रख दिया था आधे पौने घंटे के लिए। अच्छे थोड़े से सख्त हो गए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एयरटाइट कंटेनर के नीचे मैंने बटर पेपर रख दिया, उसके बाद ये एक करके सारी लाइन सर लगा दीजिए हमारी मिनी चिकन सिगार रोल्स की। उसके बाद आप चाहे तो ऊपर फिर से बटर पेपर रखें और बाकी की पूरी जो बचे हुए हैं उनकी लाइन लगा दें, इसे ढक कर फ्रीजर में रख दें। 2 हफ्ते तक रख के आप इसे खा सकते हैं। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो आप उसमें रख दीजिए जिप लॉक बैग में, एक के ऊपर एक मत रखिएगा, लाइन से लगाकर बिछा कर रखिएगा उसमें। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ों को, अब वही थोड़े मैं फ्राई कर रही हूँ। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारी मिनी चिकन सिगार रोल्स हैं इन्हें
थोड़े एट ए टाइम डालिए, एक साथ सारे मत डाल दीजिए, और इसे है ना तकरीबन मीडियम से हल्का लो फ्लेम पे, हाँ मतलब लो भी नहीं और मीडियम भी नहीं, उन दोनों के बीच में रख कर इसे तकरीबन 6 साढ़े 6 मिनट तक फ्राई करें, उलट पलट करते जाएं। जब समझिए ना 5 साढ़े 5 मिनट हो जाए तो लास्ट का जो 1 मिनट है उसे मीडियम आंच कर दीजिए, और जब हल्का सुनहरी गोल्डन आ जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे ना, तब तक अंदर से बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो इसी तरीके से पैचेस में फ्राई कर लीजिए सारे। चलिए मैंने जितने बनाए थे वो सारे बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। देखो कितने आसानी से खुल गया, बाहर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट बने हैं ना, सच्ची में बोलती हूँ आप जब खाओगे ना याद करोगे मुझे खाने के बाद। मैंने इसे हरी चटनी और 2 मिनट्स रेड इंस्टेंट चटनी के साथ सर्व किया है। सारी जो चटनियों की रेसिपी है लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, और जब आप बनाएंगे तो इनिशियली एक दो थोड़े बड़े बन जाएंगे, कोई बात नहीं, आप उन्हें खोल कर फिर से छोटे छोटे, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा कि पतले पतले और छोटे छोटे बने तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए मेरे मिनी सिगार रोल्स चिकन के। अच्छा ये जो साइड पर हम जो खुला रखते हैं तो उसमें डरिएगा मत, कोई बात नहीं, पक जाएंगे, नहीं अंदर तक तेल उतना नहीं जाएगा, नहीं कुछ छूटेंगे नहीं, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगे, और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप कोई रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए ये रेसिपी के। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।